झबराड़े के विधायक वीरेंद्र जाथी व कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने अपनी टीम के साथ मिलकर नारसन सीएससी हॉस्पिटल में स्वच्छता अभियान चलाया। विधायक ने हॉस्पिटल के आसपास जमी गंदगी और कटीले झाड़ियों को काटकर सफाई अभियान चलाया। उन्होंने कहा है कि सफाई अभियान को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन धरातल पर स्वच्छ अभियान दम तोड़ चुका है। सरकारी अस्पतालों में सफाई कर्मचारी तक मुहैया नहीं है। मंगलोर नारसन में स्थित सरकारी अस्पतालों के परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सफाई के बाबत पूछे जाने पर बजट का रोना रोया जाता है। सरकारी अस्पतालों में सफाई कर्मचारी मौजूद नहीं है और ना ही साफ सफाई के लिए कोई बजट दिया गया है। सरकार सरकारी हॉस्पिटल में कोई भी ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए खुद ही अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल की साफ सफाई करने के लिए जुट गए हैं और ये सफाई अभियान निरंतर आगे भी चलता रहेगा। आज हम लोग सीएससी गुरुकुल नारसन में हैं। मेरे साथ ग्राम प्रधान दैया की भाई विक्रांत जी हैं और हमारी समस्त टीम जो है वो सेवक फाउंडेशन के द्वारा आज ये सफाई अभियान चलाया जा रहा है। और काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था यहाँ की हालत जो थी बड़ी ख़राब थी। मैंने कई बार जो यहाँ के अधिकारी हैं उनको भी बोला कि यहाँ की साफ़ सफाई दुरुस्त करो, तो वो लोग नहीं कर पा रहे थे। तो हम लोगों ने अपनी टीम के माध्यम से, सेवक फाउंडेशन के माध्यम से आज सफाई अभियान चलाया है। और मैंने जब यहाँ के इंचार्ज को कहा कि क्या दिक्कत है, परेशानी क्या है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर सफाई कर्मी नहीं है और हमारे पास बजट भी नहीं है। जबकि सरकार के मंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जबकि धरातल पर हालात जो हैं वो बड़े ही, मैं कहूँगा बड़े ही ख़राब हैं। अगर देखा जाए तो देखिए, मैं कह रहा हूँ कि आपने भी देखा है, आप भी पत्रकार बंधु हैं हमारे, आप भी देखते हो सरकारी व्यवस्थाओं के हालात बड़े ख़राब चल रहे हैं और बद से बदतर होने की तरफ हैं। तो जिस तरह से आपके देखिए, अगर उनको दिखता तो शायद आज हमें यहाँ खड़े होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो स्वच्छता हमारा उद्देश्य है और इसको लेकर के हम आज धरातल पर हैं और निरंतरता के साथ हम इस काम को करते रहेंगे। और स्वास्थ्य विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, माननीय मंत्री जी से लेकर के जो हमारे स्वास्थ्य सचिव जी हैं, मैंने सबको चेताया कि स्वास्थ्य विभाग के हालात ख़राब हैं। ये गरीब लोगों से जुड़ा हुआ विभाग है, आमजन से जुड़ा विभाग है, तो इसको दुरुस्त किया जाए। लेकिन इतना सब कहने के बावजूद भी सरकार के कान पर जू नहीं लेग रही है और मैं मानता हूँ ये सरकार की अकर्मण्यता है। क्या ये कहा, ये निरंतरता के साथ जारी रहेगा।